सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी ट्रैवल ब्लॉगर। तो गाइस फिर से आ चुके हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तो जैसे कि कुछ ही समय दशहरा चालू होने वाला है और यहाँ जो पीछे पंडाल देख रहे हैं सासाराम के तकिया में, बहुत ही ज़्यादा यूनिक यहाँ पे पंडाल बनने जा रहा है, जो कि आप पीछे देख सकते हैं केदारनाथ टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ का पंडाल है। तो आइए अंदर। हेलो, सब्सक्राइब करें ना। ये देखिए कुछ इस प्रकार का यहाँ पर पंडाल का व्यू देख सकते हैं, बिल्कुल केदारनाथ टाइप का यहाँ पे बना हुआ है और कितना बस यहाँ पे डिजाइन है। जो तो सासाराम के तकिया में हर साल की भांति इस साल भी एक बहुत ही तरह का अद्भुत पंडाल और काफ़ी भव्य रूप से यह पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। यह पंडाल सासाराम के तकिया में बनने जा रहा है और यहाँ हर साल बहुत ही अद्भुत रूप से बनाया जाता है और काफ़ी बनने के बाद बहुत ही सुंदर और भव्य यहाँ का पंडाल साबित होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर विज़िट करेंगे दुर्गा पूजा के समय और बहुत ही अच्छा यहाँ का देख सकते हैं कितना अंदर में स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। और यहाँ का पंडाल सबसे बड़ा होने वाला है सासाराम और रोहतास जिले के क्षेत्र में। तो ये देखिए किस प्रकार का भी वर्क हो रहा है बहुत ही तेज़ी से और कुछ ही समय में ये बनकर तैयार होने वाला है। में मोतियाँ जिस तरह